नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। पहली खबर शामली से है, जहां पर नगर पालिका की एक मीटिंग का आयोजन हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर जिला शामली के कैराना में तैनात अधिशासित अधिकारी पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गई, जिसको लेकर वहाँ पर मौजूद कर्मचारियों और सभासदों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसमें चेयरमैन सहित कर्मचारीगण और सभासद धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंची और अधिशासित अधिकारी मणि अरोड़ा को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। सर, जो कैराना नगर पालिका में जो धरना चल रहा है, क्या है पूरा मामला? आज बोर्ड की मीटिंग थी, हमने सभी मेम्बरों कहा भाई एसडीएम साहब आई नहीं, ईओ का चार्ज है उन पर, उनका फूल माला उसे स्वागत करना, उनका मान सम्मान करना। आने से पहले ही हमारे उससे जब हम आए तो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हुई थी, मेम्बरों ने कहा जी अध्यक्ष की कुर्सी आप बराबर में दूसरी कुर्सी बराबर की कुर्सी पड़ी हुई है, आप उस पर बैठ जाओ। नहीं, मैं तो इसी पर बैठूँगी। और मेम्बरों को कहा नाम बताइए आप, अभी जेल करवाती हूँ आपको। वह हम तो सारे जेल जाने के नाम के तैयार बैठे हैं। अब तक तो ये कैराना नगर पालिका की बात है, कर्मचारियों की बात है। अभी मैं एक घंटे में इसका समाधान कुछ होता हो ठीक है, नहीं मैं देहात में फ़ोन करता हूँ। चेयरमैन और सभासद कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए हैं, क्या हुआ? आप पे आरोप लगा कि आपकी आप उनकी कुर्सी पर बैठ गए हैं, ऐसा कोई इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। चेयरमैन साहब उनकी अपनी गरिमा है, वो अपनी कुर्सी है, और जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठी तो मैं दूसरी कुर्सी अरेंज करने के लिए बाहर गई, तो इतने में बोलने लगी कि आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो, तो दूसरी कुर्सी मैं अरेंज करवा दी थी उसमें। पर ऐसा नहीं है हम किसी गरीब किसी की गरिमा को ठेस पहुँचाएंगे, उनकी कुर्सी अलग है, उनका अपना स्थान है, हमारा अपना स्थान। बताया गया जब 15 दिन आप यहाँ पे जो है कार्यभार संभाला, चेयरमैन का आरोप है कि वे कुर्सी पर बैठ जाती है और मैं पालिका में भी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, दो कुर्सियाँ हैं, दो एक कुर्सी पर चेयरमैन साहब बैठते हैं, एक पे हम बैठते हैं, ऐसा कुछ। खबर झांसी से सामने आई, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों भाजपा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव का यहां आगाजा हो चुका है, जिसको लेकर सभी पार्टियां यहां तरह तरह की यात्राएं और जनसभा कर वोटरों के दिल तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यहाँ विधानसभा गरौठा में प्रतिपाल सिंह उर्फ रामजी परिहार ने बीजेपी के बैनर तले अहिरवार समाज का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गरोठा क्षेत्र के अहिरवार समाज के कई दिग्गज नेता सहित सैकड़ों लोग बीजेपी के बैनर तले देखे गए, जो गरौठा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कार्यक्रम में रामजी परिहार ने अपने बात को आगे रखते हुए कहा कि अहिरवार समाज अब जागरूक हो चुका है, वो समय आ गया कि जब अहिरवार समाज में जातिवाद पर एक ही पार्टी को वोट दिए जाते थे, लेकिन अब समाज के लोग विकासवादी का सरकार को समर्थन देंगे और 2022 में गरौठा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसका समर्थन करेंगे। विगत दिनों ईरज में भी कोरी समाज का एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया। आज यहाँ पर गरौठा में अहिरवार समाज ने एक सम्मेलन किया और मुझे यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया गया, तो मैं इस अहिरवार समाज को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुला के उन्होंने जो इतना सम्मान दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों में बहुत अंतर है। यहाँ पर कार्यकर्ता अपना काम करता है, कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकता, कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि मैं यहाँ पर प्रत्याशी हूँ। सब कार्यकर्ता हैं यहाँ पर और कार्यकर्ता को यहाँ पर जिम्मेदारी मिलती है। अगर पार्टी मुझ पर विचार करेगी, अगर मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं उठाने को तैयार हूँ, अगर पार्टी किसी और को जिम्मेदारी देगी तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। आप जी और योगी जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई दावेदार प्रबल नहीं बचा दूसरे दलों का। अब तो यहाँ पर जो दावेदार हैं वो सिर्फ योगी जी और मोदी जी हैं, हर सीट पर योगी जी मोदी जी ही लड़ रहे हैं और उसका बस एक प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है और उन्हीं के चेहरे पर यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि यहाँ पर दूसरे दलों से कोई भी प्रबल दावेदार मुझे तो नहीं लगता है जो पूरे प्रदेश में कहीं पर है।
खबर संबल से सामने आई, जहां एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यहां पर एक महिला का शव मिला है। यूपी के संबल जिले में बोरे में बंद एक अज्ञात महिला का यहां शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव पर कई चोटों के निशान भी मिले हैं। महिला की यहां हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की यहां जांच में जुट गई है। एसएसपी आलोक कुमार जायसवाल ने शव मिलने और उसकी शिनाख्त की पूरी कोशिश करने की यहां पुष्टि जताई है और सभी तथ्यों की जांच करते हुए जल्द ही घटना के आरोपियों को पकड़े जाने की बात कही है। ये जनपद संभल में संभल गवा मार्ग पे लगता हुआ गांव है मूसापुर। मूसापुर की तरफ जो रास्ता गया है उसी के थोड़ी दूर आगे जाके एक बोरी में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी आज सुबह, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसको आवश्यक कार्रवाई करके मोर्चरी भेज दिया गया है। पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो भी बात निकल के आएगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महिला के चेहरे पे जगह जगह खून के चोट के निशान हैं, माना जाएगी हत्या कर सबको फेंका गया है। यहाँ पर सर पे चोट था और ऐसा लगता है कहीं से और से लाके उसको जो है यहाँ डाला गया है। वहाँ कुछ चीज बरामद हुई? कोई चीज सबके पास से अभी कोई ऐसी बरामदगी नहीं थी। खबर प्रतापगढ़ से सामने आई, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहां पर रैलियों का दौर जारी है। आपको बता दें कि यहां पर देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना और नाइट कर्फ्यू लागू होने के बावजूद सभी दल दिन भर रैलियों में हजारों की भीड़ में जुटकर यहां जमकर नारेबाजी और भाषण में लगे रहते हैं। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं हट रहा है। सभी कोरोना को दावत देने में यहां मशगूल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को प्रतापगढ़ विधानसभा के पारा में अपना दल की रैली में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने संयुक्त रूप से मंच को साझा किया, जिसमें दोनों नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोग बीजेपी के कुशासन से परेशान हैं, जिसको लेकर आने वाले चुनाव में हम परिवर्तन करेंगे। देश की जनता को पता है कि 5 साल में मुख्यमंत्री की तानाशाही और अहंकारी भाषा में देश का ताना बाना बिगड़ने से कोई कसर नहीं हुई है। देखिए, आज इस प्रतापगढ़ में अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त सभा थी। पल्लवी पटेल जी हैं अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम दोनों लोग और हमारी पार्टी के सभी जिले के नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग आए और सारे लोग बीजेपी के कुशासन से परेशान हैं, इसीलिए वो हम सबको विश्वास दिलाने आए कि हम सब आपके साथ हैं और आने वाले 2022 में हम परिवर्तन करेंगे। इस तरीके का आभास इस विशाल जनसभा में हुआ है। देखिए, अभी कल चुनाव आयोग में बात हुई थी। चुनाव आयोग से हम लोगों ने कहा था कि चुनाव समय से कराएं, कोविड की गाइडलाइन का पालन करें, कोविड के नियमों का पालन करें, लेकिन चुनाव कराएं और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराएं। खबर औरैया से सामने आई, जहां पर चोरी की एक बड़ी वारदात को यहां अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि यहां पर चोरी की एक वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने 50,000 नगद लेकर यहां से फरार हो गए। यहां चोर 50,000 के स्टैंप के साथ यहां 50,000 रुपए नगद भी लेके गए। पुलिस से स्टैंप बेंडर नागेंद्र ने बताया कि वह अपने स्टैंप के बस्ते पर बैठे थे और जब 4 बजे के बाद वो अधिवक्ताओं से स्टाम्प की पैसे की वसूली के लिए तहसील परिसर में निकले हुए थे, लेकिन वापस आकर देखा तो उनके स्टाम्प का बक्सा नहीं था, जिसको देखकर नागेंद्र के होश उड़ गए और पूरी घटना में अधिवक्ताओं को जानकारी दी। घटना ये घटी कि मेरा बक्सा गायब हो गया, अपना बस्ता स्टाम्प का। कितना था? लगभग 2 लाख। मैं शाम के इसके 2 लाख का। कितने बजे की घटना? ये 4:15। आपने इसकी कंप्लेंट उच्च अधिकारियों की?
खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर यहां पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर डीएम और एसएसपी ने यहां क्षेत्रीय बूथों का यहां निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर इन दिनों डीएम और एसएसपी का दौरा सामने आया है। इस दौरान उन्होंने बाहर से आने वाले फोर्स को रोकने के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर यहां जोर दिया, जिसमें जिलाधिकारी चंद्र विजय और एसएसपी अशोक शुक्ला, एसडीएम ध्यानचंद्र पांडे ने सबसे पहले पालीवाल विद्यालय के केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गुंडागर्दी और विभिन्न मामले में वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के यहां निर्देश दिए और चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो उसके लिए भी असामाजिक तत्वों पर यहां कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही। और आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय फोर्स के ठहराव, शौचालय, पानी, प्रकाश जैसी सुविधाओं को दुरुस्त करने के भी उन्होंने आदेश दिए। हमारा संयुक्त रूप से जितने भी हमारी क्रिटिकल बूथ हैं, 5 से ज़्यादा बूथ जहाँ पर उनका और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज सीपीएमएम जनपद में आएगी, इलेक्शन को देखते हुए उनके रुकने का स्थान, दोनों चीज़ों का भ्रमण हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। किस प्रकार से कोविड गाइडलाइन का भी पालन यहाँ पर किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो, या क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से एंट्री एक्सिट देखनी है, सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा इन बूथ का भ्रमण करके देखी जाएगी। सर, किसी बूथ पर कोई कमी अब ऐसी महसूस हुई जिसका चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा जैसे टॉयलेट्स हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है, फोर्स जहाँ रुकेगी वहाँ पे हम लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अगर कहीं पे फर्नीचर को हटा के उनको अलग जगह पर रखवानी वाली बात है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट को और एसडीएम साहब को बताएगी और वो उस हिसाब से कार्रवाई हम लोग करेंगे, और ईओ का भी सहयोग वो लोग लेंगे, इसलिए भी ईओ नगर। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।